वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाइए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? देखो, कल हमने नई यूनिट स्टार्ट की थी। देखो, आज जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अगर वो टॉपिक आपको अच्छे से अगर समझ में आ गया तो ये समझ लें कि आपको पूरी यूनिट समझ में आ गई और आपके 10 नंबर पूरे के पूरे पक्के हैं इस यूनिट में। अगर ये टॉपिक समझ में आ गया तो इसका जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया तो, क्योंकि ये एक तरीके से बेस है। देखो, आज जो टॉपिक है वो है हमारे पास वाटर सिस्टम, वाटर सिस्टम या फिर जल तंत्र। दोनों लैंग्वेज में बोल रहा हूँ तो दोनों के काम आएगा, वाटर सिस्टम या जल तंत्र। अब जल तंत्र क्या होता है? देखो, आपको पता है जो पानी है, वाटर है, वो तीन रूप में पाया जाता है। कौन कौन से? एक तो आइस, बर्फ के रूप में। बर्फ क्या होती है? सॉलिड, ठीक है। एक हमारे पास पाया जाता है वाटर के रूप में, यानी कि जो लिक्विड जो हम पीते हैं वो द्रव अवस्था में, लिक्विड स्टेट में। और एक हमारे पास है वेपर, यानी गैसियस स्टेट में। तो जो हमारे पास H2O है, यानी कि पानी है, वो तीन अवस्थाओं में हमारे पास पाया जाता है, तीन स्टेट में पाया जाता है। अब ये तीनों जो प्रावस्था है वो क्या है? साम्यावस्था में रहती है। अब मैंने कल आपको छोटी छोटी डेफिनेशन बताई थी, जैसे मैंने आपको बताया था घटक, या फिर कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ कि किसी सिस्टम में, किसी तंत्र में जितनी भी फेज होती है, यहाँ पे फेज कितनी है? एक मैंने फेज के बारे में बताया था, यहाँ फेज कितनी है? तीन, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। प्रावस्था कितनी है? तीन है। फेज कितनी है? तीन। अब कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट कोई भी अवयव हो सकता है जिसके द्वारा प्रावस्थाओं को प्रदर्शित किया जा सके, प्रावस्थाओं को रिप्रेजेंट किया जा सके, उसके कंपोजिशन को रिप्रेजेंट किया जा सके। कैसे? देखो, जो आइस है उसको भी हम H2O लिख सकते हैं, वाटर है उसको भी H2O लिख सकते हैं, और वेपर है उसको भी H2O लिख सकते हैं। तीनों को एक ही फॉर्मूले से दिखा सकते हैं, एक ही घटक से दिखा सकते हैं, एक ही कंपोनेंट से दिखा सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है? एक घटक सिस्टम कहलाता है, वन कंपोनेंट सिस्टम कहलाता है, ठीक है। अब मैंने कल एक और बात की थी F की। F क्या थी? स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम बात की थी मैंने। इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो सिस्टम है वो कितनी राशियों पर निर्भर करता है, हम उसकी बात कर रहे थे, ठीक है। अब कितनी राशियों पर निर्भर करता है, या जैसे हमारे पास टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, प्रेशर पर डिपेंड करता है, या किसी और चीज़ पर डिपेंड करता है, वो हमको बात करनी है। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है C माइनस P प्लस टू, ठीक है। तो C की वैल्यू क्या है यहाँ पे? C का मतलब क्या है? कंपोनेंट, यानी कि घटक। तो C की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? एक। कितनी है? एक। माइनस पी हमको नहीं पता। वैसे तो टोटल फेज जो है इस सिस्टम में वो तीन है, लेकिन जब सिस्टम के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कौन कौन सी फेज है, ठोस है, द्रव है, या ठोस द्रव साथ में है, या फिर ठोस द्रव गैस है, वो देखना पड़ेगा। तो पी हमको नहीं पता, और यहाँ पे क्या आएगा? टू। अब देखो, अगर मैं P को यहाँ ले जाऊँ तो F प्लस P बराबर दो और एक
3, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला आ गया। हम इसकी सहायता से क्या निकाल सकते हैं, हम डिग्री निकाल सकते हैं। हमको बस क्या पता होना चाहिए, फेज पता होनी चाहिए, प्रावस्था पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो सीधी सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात बताऊंगा। यहाँ तक समझ में आया तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। फॉर्मूला क्या था, F प्लस पी बराबर 3, ये था, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, पूरे में काम आएगा। अब मैंने क्या है एक ग्राफ खींच लिया, ठीक है। किस किस के बीच में खींच लिया, देखो एक बार इसको रख देता हूँ। एक तो टेम्परेचर और एक प्रेशर, इन दोनों के बीच में मैंने कोई ग्राफ खींच रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जब हम ग्राफ खींचते हैं तो कुछ इस तरीके का आता है। अब आप कहेंगे ये क्या है, देखो इस वाले एरिया में केवल क्या आते हैं, ठोस यानी कि सॉलिड। सॉलिड क्या है, हम पे आइस, बर्फ। इस वाले एरिया में क्या आते हैं, इस वाले एरिया में है लिक्विड, ठीक है। क्योंकि सॉलिड के बाद जो हमारे पास पानी है वो लिक्विड में ही चेंज होगा, अगर बर्फ़ पिघलेगी तो वो द्रव में ही चेंज होगी, लिक्विड में चेंज होगी। और यहाँ पे क्या है, वेपर यानी कि गैस, यहाँ जो वाटर है, ये तीन अवस्था हो गई। अब देखो यहाँ पे हमको इसके बारे में पढ़ना है, आपको समझ में आया। मैंने इसमें जो पॉइंट मिल रहा है इसको मैंने दे दिया ओ। यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात समझना कि यहाँ पे मैंने ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस को अलग अलग भागों में बांट दिया कि इस एरिया में सॉलिड होगा, इसमें लिक्विड होगा और इसमें गैस होगा। तो मैंने तीनों को अलग अलग बांट दिया। अब देखो यहाँ पे ये ओ है, इसको कुछ नाम दे देते हैं, जैसे ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से कर्व हैं, पहले तो हमको देखने हैं कर्व, क्या देखने हैं, कर्व देखने हैं। कर्व कौन कौन से हैं यहाँ पे, वक्र, वक्र बोलते हैं जिसको हम, वक्र कौन कौन से हैं, एक तो ओ ए, ठीक है भैया, एक वक्र कौन सा है, ओ ए, दूसरा कौन सा है, ओ बी, और तीसरा कौन सा है, ओ सी, ठीक है। इन वक्र की बात करनी है, एक हमको देखना है एरिया। देखो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख रहा हूँ, जो मुझे इस ग्राफ में दिख रहा है मैं वही लिख रहा हूँ, इस डायग्राम में दिख रहा है वही लिख रहा हूँ। अब देखो एरिया कौन कौन से हैं, एरिया एक तो है कौन से, सी ओ ए, ऐसे लिख सकते हैं, या ओ ए सी कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं ए ओ सी लिख देता हूँ, ए ओ सी एरिया। ये एरिया किसका है, केवल ये किसका है, सॉलिड का। अब दूसरी चीज़, दूसरा एरिया कौन सा है, सी ओ बी या बी ओ सी, ठीक है भैया, बी ओ सी। और तीसरा एरिया कौन सा है, ए ओ बी, ए ओ बी। तो यहाँ पे तीन एरिया हो गए, क्या हो गए, तीन एरिया हो गए। और एक यहाँ पे क्या है, ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट पॉइंट है या त्रिक बिंदु। अब ये क्या चीज़ है भैया, देखो जहाँ पे तीनों की तीनों जो फेज है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों एक दूसरे के साथ क्या है, साम्यावस्था में है, इक्विलिब्रियम में है, वो हमारे पास ट्रिपलेट पॉइंट है, जिसको हम लिख रहे हैं ओ से। तो हमारे पास तीन चीज़ें हमको याद रखनी है, एक तो हमारे पास कर्व, जो हमारे पास तीन कर्व हैं, एक हमारे पास एरिया, तीन एरिया है, तीन क्षेत्र है, और एक हमारे पास ट्रिपलेट यानी कि एक त्रिक बिंदु है, यहाँ पर तीनों अवस्थाएं आपस में मिलती है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, देखो अब बस हमको क्या करना है, अगर ये आपके पास समझ में आ गया, अगर ये आपके पास समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नहीं आया तो कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपको इसके बारे में और चीज़ें बताऊंगा। अब देखो पहले मैं पढ़ा रहा हूँ वक्र के बारे में, एक एक वक्र की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं वक्र ओ ए, किसके बारे में बात कर रहे हैं, वक्र ओ ए। ओ ए क्या है,
ये वाला वक्र क्या है, ओ ए। अब देखो ओ ए है, इसके यहाँ तो क्या है बर्फ यानी कि सॉलिड आइस, ठीक है। इसके इस साइड तो क्या है बर्फ है, और इसके दूसरी तरफ क्या है, इसके दूसरी तरफ क्या है वेपर यानी कि गैस। समझ में आ रहा है ना, इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे बर्फ़ क्या है, किस में चेंज हो रही है, वेपर में चेंज हो रही है, वेपर में चेंज हो रही है, ठीक है। अब देखो जब भी कोई ठोस चीज़ सॉलिड चीज़ सीधे ही गैस में चेंज हो जाती है, तो इस तरीके का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं या फिर सब्लीमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सब्लीमेशन, ऊर्ध्वपातन। जब ठोस से सीधा गैस में कोई पदार्थ चेंज हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, वो ही यहाँ पे हो रहा है। तो और इस प्रकार के कर्व को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन कर्व, ठीक है, सब्लिमेशन कर्व। अब देखो ओ ए के लिए हमने कैसे निकालना है, अब ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा जो अभी मैं बता रहा था। तो फॉर्मूला क्या है, एफ प्लस पी बराबर थ्री। पी क्या है, प्रावस्था, कितनी प्रावस्था है ओ ए वक्र पे, कितनी प्रावस्था है, दो। कौन कौन सी, एक तो ठोस है और एक गैस है, ठीक है। तो F प्लस टू इज इक्वल टू थ्री। हमको क्या निकालना है, F निकालना है, तो थ्री माइनस टू इधर ले जाएंगे तो थ्री माइनस टू बराबर वन, क्या आ गया, एक आ गया। एक आने का मतलब क्या है कि ये वाली जो अवस्था है, ये वाला जो तंत्र है, वो कितने कारकों पे निर्भर कर रहा है, कितने फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, कितनी राशियों पर डिपेंड कर रहा है, वो है एक। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक चर तंत्र, मोनोवेलेंट सिस्टम, क्योंकि एक पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ समझ में आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे भी हम देख रहे हैं। तो ये वक्र ओ ए की बात हो गई। देखो अभी अगर समझ में नहीं आया तो अभी जाना मत, देखो आगे आगे आ जाएगा समझ में। वक्र ओ ए की बात हो गई, अब बात किसकी कर रहे हैं हम, वक्र ओ बी की, वक्र ओ बी या कर्व ओ बी की बात कर रहे हैं। ओ बी, ओ बी में यहाँ पे क्या है, वाटर है, और यहाँ क्या है, वेपर है, ठीक है। यहाँ वाटर है और यहाँ क्या है, वेपर है। अब देखो यहाँ पे दोनों प्रावस्थाएं हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्विलिब्रियम में है, साम्यावस्था में है। तो इसमें भी क्या है, सेम फॉर्मूला ये वाला लगा दो, F प्लस पी इज इक्वल टू थ्री। पी क्या है, एक और दो, दो गई ना, एक तो वेपर, इस लाइन के इस तरफ तो हो गया वाटर, इस तरफ हो गया वेपर, तो हमारे पास क्या हो गया, F प्लस टू इज इक्वल टू थ्री, और F बराबर थ्री माइनस टू और वन, यानी क्या हो गया, वन हो गया, एक हो गया। तो यानी कि ये वाला जो सिस्टम है वो भी क्या हुआ, एक चर तंत्र हुआ, मोनोवेलेंट सिस्टम हुआ, ठीक है। यानी कि किसी एक फैक्टर को आप रख दो, एक फैक्टर को अगर आप अरेंज कर दो तो बाकी के सारे फैक्टर्स खुद ही अरेंज हो जाएंगे, उनको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ऐसे ही हमारे पास अगर ओ सी आ जाए तो ओ सी पे क्या है, सॉलिड, ये किस में चेंज हो रहा है, वाटर में, यानी कि लिक्विड में चेंज हो रहा है, किससे, आइस से। तो यहाँ पे भी क्या है, फेज कितनी है, एक और दो, एक और दो, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या रख दोगे, पी की दो, और F प्लस पी यानी कि F प्लस टू बराबर थ्री, थ्री माइनस टू बराबर वन। तो ये भी कैसा सिस्टम हो गया, एक चर तंत्र हो गया। तो तीनों एक जैसे हो गए, मोनोवेलेंट हो गए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पास क्या हो गए, तीनों के तीनों कर्व हो गए। क्या हो गए बच्चों, तीनों के तीनों कर्व हो गए। अब देखो एरिया की बात करते हैं, एरिया कौन सा ले लेते हैं पहले, ए, तीन एरिया के बारे में बताया था, ए ओ सी, बी ओ सी
AOC, BOC और AOB, ठीक है। तो कोई सा भी ले लो, पहले AOC ले लेते हैं, एरिया। यहाँ कौन सी अवस्था है, बस एरिया को देखना है। अब हमें दोनों तरफ की चीज़ें नहीं देखनी, बस एक तरफ की चीज़ देखनी है। तो AOC यहाँ की तरफ की चीज़ देखनी है। तो यहाँ पे केवल क्या है, सॉलिड। यहाँ पे क्या है, सॉलिड यानी कि आइस। ये एरिया केवल आइस का है, यहाँ पे और कोई नहीं आ रहा। फॉर्मूला वही लगाओ, F+P = 3। पी यहाँ पे क्या है, प्रावस्था, यहाँ पे केवल एक ही है। हम बस एरिया की बात कर रहे हैं, दोनों तरफ की बात नहीं कर रहे, एक तरफ की बात कर रहे हैं। तो एरिया में सिर्फ क्या है, आइस है, यानी कि एक ही प्रावस्था है। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, +1 और ये 3। तो यहाँ पे F की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 - 1 = 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एरिया है यानी कि ये वाला जो सिस्टम है वो क्या हुआ, द्विचर तंत्र हुआ, डाइवेलेंट सिस्टम हुआ। अब AOC के बाद BOC की बात कर लो। देखो मैं इसमें करेक्शन कर देता हूँ, यहाँ पे BOC क्या है, BOC में क्या है, वाटर यानी कि लिक्विड। इसमें और कुछ नहीं आ सकता, और कुछ नहीं आ सकता, सिर्फ वाटर है। तो फेज कितनी हुई, वही एक हुई, सिर्फ वाटर वाटर है और कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ पानी है। ना तो इसके अंदर वाटर है, ना तो इसके अंदर सॉलिड बर्फ है और ना वाष्प है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दी, F+P = 3, F+1 वही 1 रख दी, = 3। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ आ गई, 2। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, द्विचर तंत्र हो गया, डाइवेलेंट सिस्टम हो गया। अब तीसरा एरिया कौन सा, ये वाला। तो इसको मिटा के लिख देता हूँ AOB। ये किसका एरिया है, ये वाला एरिया है वेपर का। यहाँ पे वेपर के अलावा और कुछ नहीं है। तो इस वाले एरिया में भी क्या होगा, P बराबर क्या होगा, 1 होगा, P बराबर 1 होगा। तो इस फॉर्मूले में हमने क्या किया, P बराबर 1 रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे 3 - 1 ये आ गया 2। तो ये वाला एरिया भी क्या हुआ, द्विचर तंत्र हुआ, डाइवेलेंट सिस्टम हुआ। जो वक्र थे वो तो मोनोवेलेंट सिस्टम में आ रहे थे, ये आ रहे हैं हमारे पास द्विचर तंत्र में आ रहे हैं, ठीक है। और एक हमारे पास क्या है, त्रिक बिंदु या ट्रिपलेट पॉइंट, जो कि हमारे पास क्या है, ओ है। तो देखो ये ओ है, इसकी हम बात कर रहे हैं, फॉर्मूला वही लगेगा, F+P = 3, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले पे देखो, यहाँ पानी है, यहाँ पे बर्फ है, यहाँ पे वेपर है। यहाँ पे ओ बिंदु पर क्या है, तीनों प्रावस्थाएँ क्या है, मिल रही है। ओ पूरे ग्राफ में ओ एक ऐसा बिंदु है जिस पे तीनों अवस्थाएँ, ठोस, द्रव, गैस मिल रही है। इसलिए ये यहाँ पर प्रावस्था कितनी होगी, 3। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, F+3 = 3। तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि यहाँ पर ठोस, द्रव, गैस एक दूसरे के क्या है, साम्यावस्था में हैं, एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगी वैल्यू। और 0 आने का मतलब क्या है, ये नॉन वैलेंट सिस्टम है या एचर तंत्र है। तो हमको यही बात करनी थी, ये हमारे पास क्या हो गया, वाटर सिस्टम हो गया। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको ये पूरी की पूरी यूनिट अच्छे से समझ में आ जाएगी, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस यूनिट में। तो अब बात यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और समझ में आई है तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि इससे भी अच्छे अच्छे टॉपिक आने वाले हैं जो शायद आपको बुक से समझ में नहीं आएंगे, वो भी मैं आपको यहाँ समझाऊँगा। और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं अगली वीडियो में उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ थैंक यू।